अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर चैप्टर नंबर 12 विद द प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 12-1A। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्रॉब्लम नंबर 1A में दे आर सेइंग के आपने क्या करना है। रिक्वायरमेंट अगर हम इसके पहले पढ़ें कि प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट और एज ऑफ इट्स दिसंबर 31st ईयर एंड and to allocate 1,24,500 net income to the partners under each of the following separate assumption। यानि उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको इनकम स्टेटमेंट बता रही हैं, आप बता रहे हैं आपने अपनी इस इनकम स्टेटमेंट को यानी इनकम समरी को क्लोज करने के लिए एंट्री पास करके दिखानी है और सेपरेट सिचुएशंस बताई हैं। सिचुएशन नंबर वन में हैव नो एग्रीमेंट ऑन द मेथड ऑफ शेयरिंग इनकम एंड लॉस। अब जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, अगर वो खुद बुक्स ओपन करके ये बात सामने पढ़ें तो शायद जो चीज़ें आपको क्लियर ब्लर शेड आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो शायद आपके सामने नहीं आएगा और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। उन्होंने ऊपर ड्यूरिंग द इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ कैलेंडर इट्स फर्स्ट कैलेंडर ईयर द फर्म अर्न 1,24,500। जब हमने कह दिया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि किस तरह आपने इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द शेयर होल्डर्स या सॉरी अमंग द पार्टनर्स, तो अब आपने क्या करना है कि हमारा फिर वही कॉन्सेप्ट आता है 1,24,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो 1,24,500 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो आंसर आएगा 41,500। ठीक है, अब हमारी पहली सिचुएशन, अब मैं यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, आपने प्रॉब्लम नंबर वन में 1,24,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द शेयर होल्डर पार्टनर्स। ठीक है, जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो सबसे पहले क्या है, जो इनकम समरी हमारी बढ़ी हुई है, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी कंपनी की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो वन, कंपनी की इनकम कम होने पे कहाँ पे चली जाएगी, इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन जब वो कम हो रही हो तो वो डेबिट साइड पर जाती है। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इनकम समरी आपकी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है 1,24,000 से, और क्योंकि हमारा कोई मेथड नहीं था कि पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो तीनों पे 41,500 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी हमने 1,24,500 को डिवाइड किया 3 पार्टनर्स पे। ठीक हो गया, ये हमारी पहली सिचुएशन आ गई। इसके बाद आते हैं दूसरा मेथड पे, एग्रीड टू शेयर इनकम एंड लॉस Agreed to share income and loss in the ratio of their beginning capital investment। और उनकी beginning capital investment अगर आप screen के ऊपर देखें क्या नज़र आ रही है, 40,000, 56,000 and 64,000। यानी ये जो तीन चीज़ें नज़र आ रही है, 40,000 किसने इन्वेस्ट की है, किम ने, 56,000 टेरी ने एंड 64,000 जॉश ने। ठीक है, अब इन तीनों की जो आपको स्टेट ये नज़र आ रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसको अगर हम सम अप करें तो टोटल अमाउंट जो आपके पास बनता है वो बनता है 1,64,000। हमारे पास अगर हम तीनों की ये जो इनकम इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40, 56 एंड 64 को प्लस करें तो टोटल आंसर हमारे पास बनता है 1,60,000। अब 1,60,000 और हर पार्टनर का अपना कितना है, 40,000। अब हमने करना क्या है, 1,24,500 को इसी रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप यहाँ पे देखें, हमने 1,24,000 को मल्टीप्लाई किया किम का कितना था, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। फिर हमने 1,24,500 को टेरी का कितना था, 56,000 मल्टीप्लाई 1,00,000 मल्टीप्लाई 56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। फिर 1,24,500 को डिवाइड करना है जॉश के लिए, जॉश का कितना है 64,000 और टोटल कैपिटल कंपनी का कितना है 1,60,000। तो 1,24,000 मल्टीप्लाई 64,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो कैपिटल ऑफ किम विल इंक्रीज बाय 31,000, कैपिटल ऑफ टेरी विल इंक्रीज बाय 43,575 और कैपिटल ऑफ जॉश विल इंक्रीज बाय 49,600। ठीक है, तो अब ये तीनों लिहाज से क्या कह रहे हैं, आपके कैपिटल तीनों पार्टनर्स के बढ़ गए, इसका 31,000 से, इसका 43,000 से, इसका 49,800 से, और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं आप 1,24,000 से कम हो गई है। ठीक हो गया, इसके बाद आप देखें अब तीसरा मेथड या तीसरा जो प्रोसेस उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि एग्रीड टू शेयर इनकम और एंड लॉस बाय प्रोवाइडिंग एनुअल सैलरी ऑफ 33,000। एनुअल सैलरी 33,000 किसे देंगे, राइज को, जो कि किम राइज है, 28,000 टू बैक्स टेरी बैक्स
एंड 40,000 टू थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन 40,000। ये तो तीनों 33, 28 एंड 40,000 की सैलरीज मिल जाएंगी। फिर उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि क्या है 40,000, 56,000 एंड 64,000, उसका 10% उन्हें इंटरेस्ट अलाउंस दिया जाएगा और बाकी इंटरेस्ट ऑन बिगनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड शेयरिंग द रिमाइंडर इक्वली, और बाकी जो अमाउंट है इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अपन ने वो जो टेबल हम पहले ही बार बार पढ़ चुके हैं, ये देखें हम टेबल बनाते हैं। टोटल पैसे कितने हैं, 1,24,000। पहले सैलरी अलाउंस 33,000 राइस को दे रहे हैं, फिर बैक्स को हम दे रहे हैं 28,000 और थॉमसन को कितना दे रहे हैं 40,000। टोटल मिला के सैलरी की फॉर्म में हमने 1,01,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 1,24,500 में 101 हमने सैलरी के फॉर्म में दे दिया। बाकी कितने पैसे रह गए, 23,500। 23,500 बाकी रह गए। अब हमने क्या देना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेरी की कितनी थी 40,000। 40,000 का 10% निकालें, 4,000 हमारे पास इंटरेस्ट अलाउंस टेरी का बन गया। उसके बाद किम का बन गया। फिर 56,000 हमारे पास क्या है, हमारे पास 56,000 है टेरी की इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका 10% लें 5,600 आ गया। और जॉर्ज की अगर हम करें तो उसका कितना था 64,000, उसका 10% करें वो 6,400 आ गया। तो यहाँ पे अब देखें 4,000, 5,600 एंड 6,400, ये हमारे पास इंटरेस्ट अलाउंस आ गया जो हमने इसका टोटल किया, डेट वॉज 16,000। तो 23,500 में से 16,000 ये आ गया। बाकी पैसे कितने बच गए, 7,500। 7,500 को इक्वली 25, 25, 25 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे पास जीरो अमाउंट रह गई इनकम स्टेटमेंट में यानी, और बाकी हमने इस पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब राइस का यानी जो ये आपका शुरू वाला बंदा था किम राइस, उसका कैपिटल कितने पैसे बन गए, 39,500। बैक्स का कितना बन गया, 36,100 एंड थॉमसन का कितना बन गया, 48,900। तो ये सी अमाउंट से देखें ये भी कैपिटल बढ़ गया, दूसरा अमाउंट कैपिटल भी बढ़ गया और तीसरा कैपिटल भी बढ़ गया, जबकि कंपनी का टोटल इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। जब इनकम कम होगी तो वो कैपिटल डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारी अगली बात है प्रॉब्लम नंबर 12-2 के 2A के ऊपर। अच्छा बच्चे, लेटर वी हैव प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12-2A। प्रॉब्लम नंबर 12-2A में आप देखें, रेक्स बेकरी एंड ट्राई फर्नी आर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप टू विच बेकर विल डिवोट वन हाफ एंड फर्नी विल डिवोट फुल टाइम। अब यहाँ पे एक बात जो बात समझने की है, एक बंदा कह रहा है मैं आधा टाइम दूंगा, एक बंदा कह रहा है मैं पूरा टाइम दूंगा। अगर हम टाइम की एलोकेशन करें तो इसमें तीन पार्ट्स बनते हैं, सुबह शाम। अगर लेट्स फॉर एग्जाम्पल कोट करें कि एक बंदा कह रहा है कि मैं बिजनेस में सुबह शाम बैठूंगा और एक बंदा कहता है मैं सिर्फ शाम में बैठूंगा, तो टोटल टाइम अगर बना जाए यानी टोटल टाइम दोनों पार्टनर्स का मिलाया जाए तो सुबह शाम दो और एक बंदा सिर्फ शाम के वक्त टाइम दे रहा है, तो तीन टेन्योर यानी दोनों पार्टनर का जो है ना टाइम वो तीन तीन बन गया, यानी मैं टोटल थ्री बन गया, एक वन सुबह, फिर शाम को दूसरा भी और शाम को तीसरा दूसरा पार्टनर भी, तो दो टोटल मिला के टाइम जो दिया जा रहा है तीनों पार्टनर्स हैं उसकी तीन टाइप की एलोकेशन हो रही है। शाम को एक दे रहा है और शाम को दूसरा भी दे रहा है, दो वो बन गए, एक बंदा सुबह भी दे रहा है, तीन बन गए, ठीक हो गया। अब ये मैंने वैसे क्यों बताया, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने। उसके बाद वो कहते हैं दे हैव एग्रीड द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लान फॉर शेयरिंग इनकम एंड लॉस, उनके इनकम एंड लॉस को इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला है इन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच दे हैव एग्रीड विल बी किस 21,000 फॉर बेकर एंड 31,000 फॉर फर्नी, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेकर की कितनी थी 21,000 एंड फर्नी की कितनी थी 31,500, ठीक हो गया। उसके बाद देखें बी के अंदर, इन द प्रोपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू द बिजनेस, जितना टाइम डिवोट किया उन्होंने बिजनेस को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरे के अंदर क्या कह रहे हैं, सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ फर्नी को दिया जाएगा एंड द बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेशियो ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा जितनी भी प्रॉफिट होगा ना उसका 3,000 जो होगा ना पर मंथ फर्नी के निकाल के, यानी तकरीबन 36,000 फर्नी लिया करेगा सैलरी की फॉर्म में और बाकी बैलेंस जो होगा उनके कैपिटल रेशियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो 21,000 बेकर की है एंड फर्नी की 31,500 है इस लिहाज से। अच्छा अब ये बात यहाँ पे एक और बात भी आप ध्यान में रखें, 21,000 एंड 31,500 टोटल मिला के जो टोटल बन गई वो 52,500 बन गया, ठीक हो गया। डी क्या है, क्या सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फर्नी, 10% ऑन इंटरेस्ट अलाउंस इंटरेस्ट ऑन देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस शेयर्ड इक्वली, यानी उन्होंने कहा 3,000 फर्नी को सैलरी देंगे और 10% इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा और बाकी पैसों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर एक्सपेक्ट दैट द बिजनेस टू परफॉर्म द फॉलोइंग
ईयर वन या वो फॉलोइंग, ईयर वन में 18,000 का लॉस होगा, ईयर टू में 45,000 का नेट लॉस होगा, नेट इनकम होगी, और ईयर थ्री में ट्रीट लायक सॉरी 75,000 की नेट इनकम होगी। अब यहाँ पे देखें ब्लरी आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्योंकि इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सामने बुक सामने रखी हुई है, तो यही काम आप भी करें कि अपने पास बुक सामने रखें, ताकि यहाँ पे अगर कुछ ब्लरी आपको नजर आए तो आप वहाँ पे बुक से देख के उसे आंसर कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है उन्होंने इनका थ्री टेबल्स बनाए, इसलिए नीचे लिहाज से उन्होंने आपको कैलकुलेट करके कहा, कंप्लीट द टेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 3 ईयर्स बाय शोइंग हाउ टू एलोकेट प्रॉफिट पार्टनरशिप इनकम और लॉस टू द पार्टनर अंडर ईच ऑफ द 4 बेसिक प्लान। उन्होंने कहा कि आपने चारों तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है प्रॉफिट को। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तरीकेकार से, जिसके अंदर उन्होंने हमारी पहले साल में इनकम कितनी बताई है आपको, पहले साल में उन्होंने 18,000 का लॉस बताया। ठीक है। अब हम 18,000 के लॉस के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि पहले आपको उससे पहले कैलकुलेशन जो आपको रिक्वायर है, इस कैलकुलेशन को खैर छोड़ दें अभी फिलहाल, आप ये देखें 18,000 का लॉस है। उन्होंने आपको क्या कहा था कि आपने किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका 21,000 है, इसका 31,500 है, टोटल मिला के क्या है 52,500 हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं अगर आपके मेरा कर्सर आपको शायद नजर आ रहा हो, ये 21,000 डिवाइडेड बाय 52,500, अगर हम फर्नी की बात करें इसे मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव 18,000 के साथ, नेगेटिव 18,000 को जो कि हमारा इस साल का लॉस है उसे मल्टीप्लाई करें 21,000 जो कि बेकर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय कंपनी की टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 52,500 के साथ है, उसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस वक्त आपको ये बैलेंस मिल जाएगा फर्नी का, बेकर का सॉरी, बेकर के पैसे निकालने के लिए आपने 18,000 लॉस को मल्टीप्लाई कर दिया, जो बेकर की इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी 21,000 डिवाइडेड बाय 52,500। ये आपकी किसके हवाले से बात हो गई है, बेकर के हवाले से। इसके बाद हम आते हैं फर्नी के हवाले से, फर्नी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है 31,500, ये कर्सर आपको शायद नजर आ रहा हो, 31,500 किसकी इन्वेस्टमेंट की हुई है फर्नी की। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 21,000 की जगह 31,500 डिवाइडेड बाय 52,500 मल्टीप्लाई नेगेटिव 18,000 लॉस। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखें कि आंसर्स क्या आएंगे, यहाँ पे देखें 7,200 आपका आंसर आएगा। ये इन्होंने ना 40% और ये 60% कैसे निकाली है, वही वाली बात जो मैंने पहले की है कि 21,000 को डिवाइड कर दिया 52,500 पे, वो 40% बन रहा है, और 31,500 को 52,500 पे डिवाइड किया वो 60% बन रहा है। तो उन्होंने यूँ ये पहले कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करेंगे 18,000 लॉस को मल्टीप्लाई करें 21,000 बेकर की इन्वेस्टमेंट से डिवाइड बाय टोटल कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 52,500 की, और इसी तरह से 18,000 लॉस को मल्टीप्लाई करें 31,500 फर्नी से, और उसे डिवाइड बाय टोटल कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 52,500 से, तो आपके पास ये 10,800 लॉस आ जाएगा फर्नी के लिए, एंड 7,200 का लॉस आ जाएगा बेकर के लिए। उसके बाद उन्होंने दूसरा मेथड क्या कहा था, टाइम डिवोशन के लिहाज से, यानी कंपनी में जो टाइम डिवोट किया। अब मैंने यहाँ पे आपको पहले भी समझाया, ये देखें 1/3 और 2/3 बेकर के लिए 1/3 होगा, क्यों, बेकर एक टाइम दे रहा है, यानी सुबह के वक्त शायद वो आके बैठ रहा है, जबकि फर्नी क्या है 2/3, फर्नी सुबह भी बैठता है शाम को भी बैठता है। तो अब उसका उसके लिए टाइम कितने दे दिया, 2 दे दिया। नेगेटिव 18,000 को जब आप एलोकेट करेंगे इस हिसाब से, तो नेगेटिव 18,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे फॉर बेकर के लिए, तो 18,000 का तीसरा हिस्सा डिवाइड करें तो तकरीबन 6,000 बेकर के लिए आ रहा है। इसी तरह 18,000 को मल्टीप्लाई 2/3 करें 12,000 लॉस आएगा फर्नी के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी उन्होंने क्या कहा था कि आपने पहले 3,000 की सैलरी देनी है फर्नी को, और 10% ऑफ सॉरी यहाँ पे सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फर्नी एंड बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब उन्होंने 3,000 की सैलरी, अब आप देखें नेगेटिव 18,000 का लॉस है, उसके अंदर से आपने पहले तो सैलरी अलाउंस देना है 36,000 का, लॉस आपका टोटल कितना बन गया, तकरीबन 18,000 पहले लॉस में था और 36,000 की सैलरी कंपनी से उठा के दे दिया फर्नी को, तो कंपनी का लॉस टोटल हो गया 54,000 का तकरीबन, हाँ 54,000 का लॉस बन गया। अब उस 54,000 को इन अकॉर्डेंस विद देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो अमाउंट नजर आ रही है
36,000 नेगेटिव की सैलरी आ गई और नेगेटिव का 18,000 लॉस आ गया, टोटल में आके कितने बन गए 54,000। 54,000 को मल्टीप्लाई करें 21,000 से, जो कि बेकर की इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 52,500, उसे मल्टीप्लाई करें तो आपको नेगेटिव आंसर आएगा बेकर का 21,600। इसी तरह 18,000 लॉस आपको आ गया कंपनी का और फिर 36,000 नेगेटिव आंसर आ गया सैलरी की वजह से, टोटल ना कि 54,000 बन गया। 54,000 को मल्टीप्लाई करें 31,500 से, डिवाइड बाई 52,500 जो आपका इन्वेस्टमेंट आ गई फर्नी की, तो वो आ गया 32,400। अच्छा ये देखें, नेगेटिव ये और नेगेटिव ये, टोटल आपके पास एलोकेशन कितनी हो गई, बेकर को नेगेटिव लॉस हुआ है 21,600 का, जबकि फर्नी को 36,000 पॉजिटिव सैलरी आई है जिसमें से 32,400 लॉस हुआ है, तो फर्नी को फिर भी 3600 बच गए। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ द कंपनी विल गिव 3600 टू फर्नी इफ दे हैड अ लॉस ऑफ नेगेटिव 18,000, जब पैसे ही नेगेटिव में है, तो ये 36,000 की सैलरी कहाँ से आएगी और ये बाकी के 3600 हम फर्नी को कैसे दे रहे होंगे। तो हमने अपने रिजर्व इसी पर्पज के लिए रखे होते हैं कि जब लॉसेज हों उसके बावजूद हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें और बाकी इन्वेस्टमेंट या बाकी एक्टिविटीज हम कर सकें, तो ये वही वाली बात की हुई है। इसके बाद आप ये देखें कि लास्ट में उन्होंने क्या कहा था, 36,000 की सैलरी देंगे बेकर को, यहाँ पे ये देखें सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 डी पॉइंट, सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 टू फर्नी, यानी 36,000 फर्नी को वो देंगे 10% इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 21,000 का 10% ले 2100 एंड 13,500 का 10% ले 3150, ये आ गया फर्नी का। अच्छा अब हमने ये दोनों अमाउंट निकालने के बाद जो बाकी बैलेंस शेयर इक्वली, तो हमने यहाँ पे पहले देखें 36,000 as it is 36,000 आ गए सैलरी अलाउंस, 2100 एंड 3150 ये हमारे पास आ गए इंटरेस्ट अलाउंस, बैलेंस शेयर इक्वली। अब बैलेंस क्या बचा, पहले 18,000 लॉस था, 36,000 सैलरी का लॉस आया या सैलरी की नेगेटिव आंसर आया और 5250 का इंटरेस्ट आया, तो टोटल मिला के जो आपके पास अमाउंट बनी है वो आपके पास आई है 59,250। 59,250 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन आंसर आएगा, सॉरी 50, एक मिनट रुके ना, इस अमाउंट को 18,000 नेगेटिव 59,250 को जब आप डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 29,625 लॉस आएगा बेकर के अकाउंट में, 29,625 अकाउंट लॉस आएगा फर्नी के बैलेंस में, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल आंसर्स कितने आ जाएंगे, 27,525 आ जाएगा बेकर के लिए, क्योंकि आपको 29,625 में से 2100 का इंटरेस्ट अलाउंस मिला है पॉजिटिव अमाउंट, तो वो 27,525 वो आ गया, जबकि फर्नी को देखें 36,000 सैलरी भी मिली है, 31,000 उसे इंटरेस्ट का भी मिला है, बाकी 29,625 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 9,525 की पॉजिटिव आंसर आया फर्नी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सेम कैलकुलेशन उन्होंने किया ईयर टू में, जब आपके पास 45,000 की इनकम आई है, 45,000 को मल्टीप्लाई करें 21,000 डिवाइड बाय 52,500 से, इतना अमाउंट आ गया बेकर के खाते में, और जबकि 45,000 मल्टीप्लाई 31,250 मल्टीप्लाई 52,500 उसको करेंगे तो 27,000 का आ गया। फिर टाइम डिवोशन के लिहाज से सेम एक्टिविटीज की अमाउंट इतनी आ गई और फर्नी कितनी अमाउंट आ गई, फिर पहले 36,000 की सैलरी दे दी, बाकी 36,000 की सैलरी 45,000 में से 36,000 निकाल लें तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 9,000 को मल्टीप्लाई करें 21,000 डिवाइड बाय 52,500 के लिहाज से, तो 3600 बेकर के खाते में आएंगे, जबकि 9,000 को मल्टीप्लाई करें 31,250 के साथ 31,500 के साथ, जो कि फर्नी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाय 5250 करें तो 5400 की फर्नी के पास सैलरी आएगी। तो अब फर्नी के टोटल पैसे कितने मिलेंगे, 41,400, जबकि बेकर को कितने मिलेंगे 3600। इसके बाद आ जाए तीसरा जो डी मेथड, उन्होंने क्या कहा था कि 36,000 फर्नी को सैलरी मिलेगी प्लस 10% इंटरेस्ट अलाउंस मिलेगा दोनों पार्टनर्स को, 36,000 2100 एंड 3150 ये दोनों को इंटरेस्ट अलाउंस मिला, तो बाकी पैसे कितने बच गए कंपनी में, 45,000 में से माइनस करें 9,000 में से 5,250 माइनस करें तो इट विल बी 3,000
750, 3750 को इक्वली डिवाइड किया तो 1875 दोनों के को अमाउंट आया। इसी तरीके से ईयर थ्री में आए तो उन्होंने 75,000 का प्रॉफिट बताया था, 75,000 को इसी तरह मल्टीप्लाई 21,500 करें, 21,500 पे जब आप 21,000 डिवाइड बाई 5,200 करेंगे तो बेकर की अमाउंट आएगी, और 75,000 को 31,250 पे 31,500 पे डिवाइड करेंगे 52,500 को, तो इसकी इसी तरह से आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी फनी की। फिर टाइम डिवोशन के लिहाज से 75,000 को तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो 25,000 एक टाइम दे रहा है तो 25,000 बेकर के लिए आएगा, जबकि 50,000 किसके लिए आएगा, फनी के लिए आएगा। उसी तरीके से सैलरी अलाउंट 36 माइनस करें, 75,000 36 माइनस करें तो आपके पास नियर अबाउट 39,000 बचेगा, 29,000 बचेगा, नहीं 39,000 बचेगा। 39,000 में से 39,000 को मल्टीप्लाई करें 21,000 से डिवाइड बाय 52,500 करें, जो कि इनकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका है, वो 15,600 बेकर के लिए आएगी, और 75,000 में 36 किया की निकाल के यही वाली 36, तो बाकी जो आपके पास 39,000 बचे 39,000 को मल्टीप्लाई करें 31,500 डिवाइड बाय 52,500 पे करें तो 23,400 फनी की सैलरी आ गई। बस इसी तरह से 56,000 and 23,000, 59,400 फनी के लिए आएंगे और 15,600 बेकर के लिए आएंगे। इसके बाद सैलरी अलाउंट 36,000 आपके पास फनी को दे दिया, उसके बाद उन्हें क्या करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 2100 बेकर को मिला एंड 31,050 मिला फनी को। इसके बाद आप ये देखें कि बाकी अमाउंट कितनी रह गई, 35,000, 36,000, 39,000 में से 5 निकाला तो 33,750 में से को जब इक्वली डिवाइड किया अमंग द पार्टनर 1685 बेकर के खाते में, 1685 फनी के खाते में, तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमें इसे टोटल पैसे मिले हैं वो 18,975 आए हैं, जबकि दूसरे को मिले हैं 56,025। दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2-A।